डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, मैं मुमताज आलम फलाही, टू सर्कल्स .net से। अब पिछले कई सालों में ख़ासतौर पर तेज़ी इधर आ गई है पिछले 6 महीने के अंदर, जो बड़े पैमाने पे मुस्लिम नौजवानों को उठाया जा रहा है टेररिज्म के नाम पर, डिफरेंट ब्लास्ट में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उठाया जाता है, बहुत दिनों के बाद उनको रखा जाता है, बहुत दिनों तक रखा जाता है कस्टडी में, इलीगल कस्टडी में, फिर जाकर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। ये सारा मामले पे आपकी क्या टिप्पणी, कमेंट क्या है आपका, ये जो सारा चल रहा है? मेरे ख्याल में अब तक जो चीज़ हमको समझ में आई है कि इन बच्चों के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, कोई भी साफ सुथरा इल्ज़ाम नहीं है जो कि गवर्नमेंट मीडिया के सामने और मुस्लिम कम्युनिटी के सामने पेश कर सके। सारी बात सिर्फ शक की है, सारी बात सिर्फ कहीं किसी के मोबाइल में किसी का नंबर है, किसी की डायरी में किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी ने कह दिया कि फलां मेरा दोस्त है, इसकी बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उनके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। और ये इनका पुराना तरीका है, बीच में कुछ दिनों रुक गया था जब करकरे ने हिंदू बल्कि हिंदुत्ववादी जो दहशतगर्दों की गिरफ्त की थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, उसके बाद ये ज़रा सा थम गया था, लेकिन अब यह दोबारा जारी हो गया है। और मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आईबी और पुलिस के अंदर इस जहनीत रखने वाले, जो भगवा जहनीत रखने वाले लोग हैं, ये काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और ये समझते हैं कि मुसलमानों को तंग करना उनका एक फरीजा है और ये बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि हुकूमत की पूरी ताईद के साथ हो रही हो, लेकिन मशीनरी जब ख़राब हो तो मशीनरी, और खुसूसन ऐसे हालत में जबकि हुकूमत की लगाम जो है बहुत ढीली हो चुकी है और हुकूमत लग रहा है कि ऑटो पायलट पर चल रही है, इसमें ऐसे लोग अपना काम करने में बहुत कामयाब हो जाते हैं। अब ख़ास बात ये मैं देखूंगा, बल्कि मैंने इस पर गौर किया है कि जिस वक्त यूपी वगैरह में इलेक्शन होने वाले थे, उसी वक्त पकड़ दकड़ की ये मुहिम भी बड़ी तेज़ चल रही थी, गोया एक तरह से मशीनरी कह रही थी कि कुछ भी गवर्नमेंट बोले कुछ भी कहे, लेकिन हमारा तरीक़ेकार दूसरा है और हम दूसरे तरीके से काम करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की एक हार की एक बड़ी वजह वही पकड़ धकड़ थी जो कि पूरे मुल्क के अंदर, बिहार में और खुद दिल्ली में और महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में कहाँ कहाँ हो रही थी, उसकी वजह से ये लोग नाकाम हुए हैं। इसलिए कि कहना इनका कुछ है लेकिन इनका अमल जो है इनकी मशीनरी के जरिए कुछ और है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि होश में आए और ज़रा सा गौर करे कि क्यों उसने वाकई इस तरह से कहा और किया और किस तरह से उसको इतनी बड़ी नाकामी हुई। और अगर उसको ये अकल नहीं आई तो मैं समझता हूँ 2 साल के बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें इनका और भी बुरा हशर होगा और ये वापस नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, अभी अपने एक जो रिसेंट एक मामला आया है कि 13 मई को सऊदी अरब में दरभंगा का एक इंजीनियर है फसी महमूद, उसको अरेस्ट किया गया इंडियन अथॉरिटीज़ के कहने पर, लेकिन आज 26 तारीख, लगभग 13-14 दिन हो गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, उनके पेरेंट्स को, वाइफ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जब उसकी वाइफ ने सारे अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, यहाँ होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, सब ने इनकार किया कि मैं नहीं पता कौन है ये फसी महमूद। नहीं, ऐसा है कि ये वही जो उनका तरीक़ेकार है कि बगैर किसी दलील के सिर्फ कहीं किसी की ज़बान पर नाम आ गया, किसी डायरी में कहीं नाम देख लिया तो पकड़ लेते हैं, यही इन्होंने काम किया है। और अब ये पकड़ने के बाद उसके खिलाफ कुछ शवाहिद और कुछ दलीलें जमा करने में लगे हुए होंगे और जब मिल जाएंगे तब ये ला करके अवाम के सामने और कोर्ट के सामने उसको ले आएंगे। गोया इनके पास पहले कोई दलील नहीं होती है, बल्कि पकड़ने के बाद मारपीट करके भी कॉन्फेशन, अक्सर मेरे ख्याल है कि 98% मामला जो भी इस तरह के हैं सब में टॉर्चर करके कॉन्फेशन हासिल किए गए हैं और उसी की बुनियाद पर फैसले होते हैं और उसी की बुनियाद पर पुलिस का पूरा मुकदमा कायम होता है। तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त इसी काम में लगे हुए होंगे कि किसी तरह से उसके खिलाफ कुछ कॉन्फेशन हासिल किया जाए उसी से, या ये कि कहीं और से कुछ फैब्रिकेटेड किस्म के एविडेंस हासिल किए जाएं ताकि कोर्ट में पेश किए जाएं, और इसीलिए वो दिखा नहीं रहे हैं। हालांकि ये खुद हिंदुस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको, किसी भी आदमी को पकड़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने जाके पेश भी करना है और उसके अहल खाना को बताना भी है। आज सूरत हाल है कि उसके अहल खाना जो है पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, हर जगह फैक्स और फ़ोन और ईमेल से और जा करके मालूम कर रहे हैं, और हर एक ये कह रहा है कि हमको कुछ मालूम नहीं है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है कि हुकूमत इस किस्म की हरकत करती है। हुकूमत की मर्जी के बगैर उसको वहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता,
और ये बात बिल्कुल साबित है कि हिंदुस्तानी सफारतखाना बल्कि शायद हिंदुस्तानी पुलिस के भी लोग गए हुए थे उसके घर जब ये पकड़ा गया है, इसलिए ये किसी तरह से अपना दामन बचा नहीं सकते हैं बल्कि ये पूरी तरह मुलव्वस हैं। और ये इससे इनकी जो गंदा ज़हनियत और इनकी जो मुसलमानों के खिलाफ एक गलत किस्म की पॉलिसी है वो भी सामने आती है कि बगैर किसी दलील के वो पकड़ते हैं, जबकि जिन लोगों के खिलाफ वाजे दलील है, मसलन अंद्रेश कुमार और दोगड़िया, इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो मालेगांव और अजमेर में दाखिल की गई उसमें इनके नाम है, लेकिन हुकूमत को पसीना आया था सोचते हुए कि इनसे कैसे इंटरोगेट भी किया जाए, आज तक उनसे बात भी नहीं की गई है, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो डॉक्टर साहब ये क्या मतलब इसकी पूरा कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे क्या है जो अरेस्ट का जो सिलसिला चल रहा है? शुरू में जब अरेस्ट लोग हो रहे थे तो कुछ लोग समझ भी रहे थे कि हो सकता है ये मुसलमान नौजवान इन्वॉल्व हों, लेकिन जब केस चलना शुरू हुआ, ट्रायल शुरू हुआ, तो एक के बाद एक केस ढहने लगे, मक्का मस्जिद ब्लास्ट से लेकर अजमेर से लेकर जयपुर ब्लास्ट और मालेगांव, सब में सब मुसलमान जो एक्ट होने शुरू हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी सिलसिला रुका नहीं है। तो आखिर इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इस मामले पे? नहीं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग घुसे हुए हैं, घुसपैठ किए हुए हैं जो अपना ये फर्ज समझते हैं कि वो ये करें, और जबकि इतनी बातें सामने आ चुकी हैं, 14 साल के बाद लोग जेलों से निकले हैं, 6 साल के बाद निकले हैं, 8 साल के बाद निकले हैं, 3 साल 2 साल के बाद में निकले हैं, उसके बावजूद भी इनको होश नहीं आ रहा है और उसी रविश के ऊपर कायम है। और शायद वो समझते हैं कि मुसलमानों को दबाए रखने का और मुसलमानों को मजबूर करने का कि भाई तुम खालिस कांग्रेस पार्टी को वोट दो और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ये एक तरीका है। और अगर सियासी लोग भी यही समझते हैं तो उनको उनकी बहुत बड़ी भूल है और जल्द ही उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यूपी में उन्होंने देख ही लिया है, लेकिन पूरे मुल्क में भी वो जल्द ही 2 साल के अंदर देखेंगे।